दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही काम का फॉर्मूला बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप किसी भी अमाउंट को मंथ्स में स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अमाउंट दी गई है 20,000, ठीक है। इसको स्प्लिट करना है मंथ्स में, कितने मंथ्स में स्प्लिट करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, 8 मंथ्स में, ठीक है। और किस मंथ से स्टार्ट करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30वें मंथ से लेके 10वें मंथ तक यहाँ पर 8 महीनों में इस अमाउंट को उस फॉर्मूले ने इक्वली डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अमाउंट चेंज करेंगे तो भी ऑटोमेटिकली अमाउंट चेंज हो जाएगी, अगर आप यहाँ पर मंथ चेंज करेंगे तो भी अमाउंट चेंज हो जाएगी, और अगर आप यहाँ पर स्टार्टिंग मंथ चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी अमाउंट को आप दिए गए क्राइटेरिया के मुताबिक मंथ्स में किस तरह से ऑटोमेटिक स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने जिस सेल में फार्मूला लगाना है उस सेल को आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है, यानी उस सेल पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद अमाउंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जिस सेल में अमाउंट है उसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको लॉक कर देना है। दोस्तों, इस फॉर्मूले में जितने भी सेल हम सिलेक्ट कर लेंगे तकरीबन तमाम सेल्स को लॉक करेंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूले को इस तरह से ड्रैग करना है तो हमारा फॉर्मूला गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद डिवाइड लगाना है, ठीक है, डिवाइड का साइन लगाना है, और यहां पर आपने फिर सिलेक्ट करना है मंथ्स को, ठीक है, कि कितने मंथ्स कितने मंथ्स में हमने स्प्लिट करना है वो मंथ सिलेक्ट करना है, ठीक है, और इसको भी लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और एंड का फंक्शन लगाना है, ठीक है। एंड का फंक्शन लगाने के बाद आपने पहला महीना जिस सेल में फर्स्ट मंथ लिखा हुआ है उस सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और यहां पर आपने टाइप करना है ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्टार्टिंग, जिस मंथ से आप स्टार्ट कर रहे हैं उस सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और इसको भी लॉक कर देना है, ठीक है। अब कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद दोबारा आपने फिर स्टार्टिंग मंथ को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, यानी पहले मंथ को, जहां पर मंथ लिखे हुए हैं पहले मंथ के सेल को क्या कर लेना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद लेस देन का साइन लगाना है, ठीक है, और ब्रैकेट शुरू करनी, ब्रैकेट में आपने यहां पर उसके बाद सिलेक्ट करना है स्टार्ट मंथ, जहां से यानी स्प्लिट स्टार्ट हो उसको सिलेक्ट करना है, लॉक कर देना है, और प्लस कर देना है जो जितने मंथ्स हैं, यानी जितने मंथ्स में हम वैल्यू को स्प्लिट करना चाह रहे हैं, अमाउंट को स्प्लिट करना चाह रहे हैं, उतने मंथ्स को आपने क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है और इसको भी लॉक कर लेना है। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देनी, ठीक है। हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इंटर प्रेस कर देना, ठीक है। इंटर प्रेस करने के बाद इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करना है, ठीक है, जितने मंथ्स है आपके 12 मंथ, तो ये ऑटोमेटिकली मंथ्स में क्या कर देगा, जितने मंथ्स यहाँ पर हमने लिखे होंगे उतने मंथ्स में इस वैल्यू को, इस अमाउंट को डिवाइड कर देगा, स्प्लिट कर देगा। तो अब अगर हम वैल्यू को चेंज करेंगे, यहाँ पर अमाउंट को चेंज करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली अमाउंट को यहाँ पर मंथ्स में भी चेंज कर देगा। तीनों सेल्स में अगर किसी भी सेल में कोई वैल्यू चेंज होगी तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।